नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट और मैं हूं साहिल मोटन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जिला पुंछ के गांव में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। म्युनिसिपैलिटी के पार्षद साहिल गुप्ता ने अपने वार्ड नंबर 7 में रहने वाले केबीसी के प्रतियोगी अंकुश शर्मा को किया सम्मानित। ब्लॉक सुचेतगढ़ से नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार नरेश बिट्टू ने डीडीसी चुनावों के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। जिला डोडा के दूरदराज इलाके सरोह पंचायत चिल ब्लॉक असर काशी नाले में मुसाफिरों के लिए बरसों से पुल के निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि अब ये खूनी नाला बन चुका है जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आरसपुरा ब्लॉक से पैंथर पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करवाया। वुमेन्स क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की घोषणा की गई, जिसमें कैलाश वर्मा को सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष चुना गया जबकि निर्मल संब्याल को उपाध्यक्ष चुना गया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता संजय कुमार बड़ू ने वार्ड नंबर 43 में ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू करवाया। आरसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कॉमरेड सरदार बचन सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ जो बिल पेश किए हैं उससे किसानों में काफ़ी गुस्सा है और जम्मू कश्मीर के किसान भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। जिला पुंछ के तहसील सुरनकोट के भी निर्वाचन क्षेत्र से डीडीसी का चुनाव लड़ रहे असलम कोहली ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं अपने ब्लॉक के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया जोरदार प्रदर्शन। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां, आप इसी तरह देखते रहिए इनसाइड न्यूज अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार।